और उकल लेते हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पाली दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, तखतगढ़ में राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम में भामाशाह का सम्मान भी किया गया। मंत्री जोराराम कुमावत, ओटाराम देवासी भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। तस्वीरें मंच से आपको दिखा रहे हैं पाली के तखतगढ़ से, जहां पर दिग्गज मौजूद रहे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर का लोकार्पण किया गया। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार्यक्रम में भामाशाहों का सम्मान भी किया गया है। इस कार्यक्रम में मंत्री जोराराम कुमावत भी मौजूद हैं। ओटाराम देवासी भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ भी मंच पर मौजूद हैं। तो दो अलग अलग तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर, पाली के तखतगढ़ से, जहां पर पहली ये सीधी तस्वीर और दूसरी सम्मान परिवार के मुखिया के रूप में परम सम्मानीय मणिलाल जी, राय गांधी, श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमान अशोक जी और श्रीमान शाश्वत जी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारेंगे और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। माला के साथ, साफा के साथ, श्रीफल के साथ और स्मृति चिन्ह के साथ में अभिनंदन करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं हमारे विद्यालय के जो भैया बहन हैं वे तैयार हैं और हमारे आचार्य हैं वे भी कृपया पधारेंगे। आगे एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे मणिलाल जी सा और राजेंद्र जी भाई साहब दोनों से निवेदन करूंगा कि वे, नरेंद्र जी भाई साहब दोनों से निवेदन करता हूं कि वे पधारें। लक्ष्मी जी रुक करेंगे। अजमेर से मिल रही बड़ी खबर का रुक कर लेते हैं। खाटू श्याम मंदिर में आरती के बाद चोरी हुई है। सावर बस स्टैंड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में चोरी की सूचना है। दो युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। श्रद्धालु की जेब से 9,500 रुपए पार कर दिए गए। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरी की घटना को लेकर श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। नशे की लत से युवाओं में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। युवा आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी फुटेज जहां पर चोर हाथ साफ करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन आए दिन जिस तरीके से चोरी की घटनाएं बढ़ रही है इसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। तो खाटू श्याम मंदिर में आरती के बाद चोरी हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और करेंगे राजसमंद से मिल रही बड़ी खबर का। दिलवाड़ा से खबर है, जहां पर शराबियों ने जमकर हंगामा किया। निगड़िया टोल पर बीती रात कुछ शराबियों ने जमकर हंगामा बरपाया। टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और अभद्रता भी की गई। जबरन बैरियर हटाकर कुछ गाड़ियों को बिना टोल के ही निकाल दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हुई है। हंगामे की सूचना पर दिलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा कर रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर फुटेज के जरिए आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बदमाशों की गुंडागर्दी दिखाई दी, जहां पर कुछ लोग बिना टोल दिए ही वहां से निकल गए। हालांकि जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो आए दिन टोल पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, जहां पर गुंडागर्दी दिखाई देती है। और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर राजसमंद से सामने आई, जहां पर टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की गई। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां मकान का बरामदा गिरने से दो की मौत हो गई। हादसे में मां और बेटी की दबकर मौत हो गई। राधा देवी और बेटी सपना के हादसे में मौत की सूचना है। 50 साल पुराना यह मकान बताया जा रहा है। बडलियास कस्बे में देर रात पुराने मकान का बरामदा धाराशायी हो गया। बरामदे के नीचे ही मां और बेटी सो रही थी। एक बच्ची घायल भी बताई जा रही है। घायल को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बड़लियास थाना पुलिस और सरपंच मौके पर पहुंचे हुए हैं। बरामदा कैसे गिरा, यह हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर जांच जारी है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वही घर का बरामदा जहां पर मां अपनी दो बेटियों के साथ सो रही थी। बताया जा रहा है कि यह मकान काफी जर्जर हो चुका था और ऐसे में यह हादसा हो गया। मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल है।
और झालावाड़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जिले भर में पुलिस का एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई दिखाई दिया। 5 साल के चलानशुदा आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई। अब तक एनडीपीएस एक्ट के 6 मामले दर्ज हुए हैं। जिले भर में पुलिस की 80 टीम दबिश दे रही है। 250 जवान लगातार दबिश दे रहे हैं और तकरीबन 100 आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ भी जारी है। तो लगातार एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। बताते चले कि 5 साल के चलानशुदा आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस की ओर से दबिश दी गई और अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 100 आरोपियों को डिटेन कर उनसे पूछताछ किया जा रहा है। खबर अलवर से, जहां 17 साल की नाबालिग का किडनैप कर गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने नाबालिग बच्ची का मेडिकल कराया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस बारे में बच्ची की मां ने थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि बीती रात 13 मई की रात एक बाइक पर 2 लड़के आए और उसकी बेटी से पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही बेटी उन्हें पानी देती नजर आई, तब आरोपियों ने अपने तीसरे साथी को बुला लिया और इसके बाद बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। आरोप यह भी है कि बच्चे के शरीर पर काटने के भी निशान मिले हैं। महिला की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर मामले पर जांच शुरू की। थाने पर एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसने रिपोर्ट में अंकित किया है कि उसकी 17 साल की लड़की रात्रि के समय घर पर थी और 2 लड़के बाइक पर आए, जिन्होंने पानी पीने के लिए मांगा। इस दौरान उस लड़की का अपहरण करके वो ले गए और खेतों में ले जाकर उसके साथ में उन्होंने बारी बारी से बलात्कार किया। उन्होंने एक अपने साथी को और बुला लिया, जिसके द्वारा भी बलात्कार का प्रयास किया गया। इस दौरान लड़की उनके चंगुल से छूट करके भाग करके घर आ गई। इस रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई है और अनुसंधान जारी है। तो कोटा के ग्रामीण इलाके में सौतेले पिता ने अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर मानवीय रिश्ते को कलंकित कर दिया। आरोपी पिता ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और किसी को न बताने की धमकी भी दी गई। करीब 20 दिन पहले हुई इस वारदात के बाद बेटी गुमसुम रहने लगी, जिसके बाद मां ने बेटी से पूछताछ की तो बेटी ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद मां ने रामगंज मंडी DSP कार्यालय में आरोपी पति के खिलाफ परिवाद पेश किया। देर रात को आरोपी के खिलाफ सुकेत थाने में मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने बताया कि करीब 4 साल पहले दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी की गई थी। पहले पति से 16 साल की बेटी और 10 साल का बेटा है। फिलहाल सुकेत थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लगाकर आत्महत्या कर ली। सुल्तानपुर की बॉस कॉलोनी बस्ती में रहकर 11वीं क्लास की पढ़ाई करने वाले छात्र ने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। मृतक छात्र प्रदीप धनसूरी गांव का निवासी था। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। मोर्चरी में मृतक के शव को रखवाया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल सुल्तानपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर कोटा से, जहां पर नीट की तैयारी करने वाले लापता कोचिंग छात्र का 13 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका। उसने अपने परिजनों को मोबाइल पर मैसेज किया, जिसमें लिखा था कि वो घर छोड़कर जा रहा है, आगे की पढ़ाई उसे नहीं करनी, वो 5 साल बाद घर लौटेगा। तमाम प्रयासों के बावजूद छात्र का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं छात्र के पिता ने कहा कि मुझे अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं, बस वो सकुशल घर लौटाए। सभी परिवारजन बेहद परेशान है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर जांच शुरू की। अगर कोई भी कोचिंग स्टूडेंट लापता हो रहा है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, चाहे दिन चाहे रात हो, हम एकदम उस पर टीम गठित करके और उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। अगर वो यहाँ से जाता है दूसरे, चाहे दूसरे राज्य, दूसरे। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर JDA के दस्ते ने एक और बड़ी कार्रवाई की। कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण के लोहे के गोदाम का संचालन किया जा रहा था। लोहे का गोदाम बनाकर गारमेंट फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिस पर JDA की ओर से एक्शन लिया गया है। भूखंड मालिक और अन्य को नोटिस जारी किए गए। तो तस्वीर देख पा रहे हैं जयपुर से, ये तस्वीरें जहां पर कृषि भूमि पर लोहे के गोदाम का संचालन किया जा रहा था। भू रूपांतरण किए बगैर ही लोहे के गोदाम का संचालन करने पर JDA ने एक्शन लिया है और इस
मालिक को नोटिस थमाया गया है। जल्द से जल्द यहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। बड़ी